नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को डॉक्टर रश्मि शील का नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के रूप में हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक अवधि काव्य संग्रह है जिसका शीर्षक है अर्घान। इस पुस्तक के रचयिता पंडित सत्यधर शुक्ल जी हैं। 96 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य केवल 60 रुपये है। इसे पंडित बंशीधर शुक्ल स्मारक एवं साहित्य प्रकाशन समिति मनेओरा लखीमपुर खीरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित हुआ और जो पुस्तक मेरे हाथ में है वह कृति का दूसरा संस्करण है जो इसी वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ है। इसमें कवि के विविध मनोभावों को दर्शाती इंद्रधनुषी रंग बिखेरती अवधि कविताओं का संग्रह है। आप राष्ट्रकवि, जनकवि, अवधि सम्राट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक पंडित बंशीधर शुक्ल जी के सुपुत्र हैं। हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक अभिरुचि आपको विरासत से मिली। आपकी अब तक 24 से अधिक खड़ी बोली हिंदी व अवधि लोक भाषा में कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग 7 कृतियों का आपने संपादन किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण, जायसी व प्रसाद पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं से आपको पुरस्कृत व सम्मानित किया गया है। इस कृति के विषय में पंडित सत्यधर शुक्ल जी लिखते हैं कि यही संकलन माँ कछु प्रकृति के गीत हैं, मैदानी और पहाड़ी कछु गंवारी गंवारों जीवन के, कोई कविता सामाजिक, कोई दार्शनिक भावना का दर्शावती है, को म प्रेम को म देश प्रेम प्रगट भवा है, कुछ गीत हैं, कुछ लोकगीत, कुछ बड़ी कवित्व, कुछ मात्रिक छंदन में बंधी लंबी कविता हैं, कहूँ सिंगार कहूँ वीर कहूँ करुण और कहूँ सांतरस है इनमा, यह तना अलंकारों जौन तौन जहाँ मिल जही है भाषा सबकी अवधि। इस संग्रह की विवेचना समीक्षा डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जो कि अवकाश प्राप्त कुलपति जोधपुर विश्वविद्यालय रहे हैं उन्होंने लिखी है। वे लिखते हैं कि इन गीतों में लोक संस्कृति का भी बड़ा मनोरम रूप प्रस्तुत किया गया है। लोक संस्कृत में ही हमारी ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति चिर जागृत और चिर जीवित है। हम प्रायः प्रतिदिन पर्वों, उत्सवों, व्रतों, संस्कारों तथा अन्य रीति रिवाजों में उनका विपुलता से साक्षात्कार करते हैं। इनकी कविताओं में हमें गांवों के बीच उतरते हुए प्रभात के खग कलरव मुखर अनेकानेक चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार श्रमश्लथ ग्रामजनों को अपने हल के शीतल अंधकार के करुणांचल की छाया प्रदान करने वाली संख्या के बहुरंगी बिंब भी प्राप्त होते हैं। सूर्य के ताप में झुलसते हुए किसान और उनके थके हुए बैलों के मर्म स्पर्शी रूप भी कई गीतों में अंकित किए गए हैं। हमारे लिए यह गीत संग्रह ग्राम जीवन के राग विराग के सम्मोहन का अजस्र स्रोत बन गया है। ग्रामों की प्रकृति के उत्संग में पोषित जीवन के आधार पर सत्यधर जी ने मनुष्य के सुंदर और मंगलमय रूपों की रचना की है। इस कृति के विषय में अपनी सम्मत देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुब जी ने लिखा है कि भारत गांवों का देश है, परंतु ग्रामीण संस्कृति के इस कोटि के चित्र पूरे हिंदी काव्य में नहीं है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। कवि को देशभक्ति भी उत्तराधिकार में उपलब्ध हुई है। यही कारण है कि मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ साथ संकलन में कवि की राष्ट्रीय भावना भी दर्शनीय है। मैया का संदेश, पाकिस्तान का चिट्ठी इत्यादि रचनाएं इसका उदाहरण है। इस कृति में 2 शब्द के रूप में डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल सितिकंठ जो कि जय नारायण महाविद्यालय लखनऊ के प्राध्यापक हिंदी विभाग रहे हैं उन्होंने लिखा है,
कि श्री सत्यधर शुक्ल अवधि और खड़ी बोली के समर्थ कवि हैं। कविता इन्हें अपने पूज्य पिता अवधि सम्राट स्वर्गीय पंडित बंशीधर शुक्ल से उत्तराधिकारी के रूप में मिली है। आर्यावर्त, खड़ी बोली, ध्रुव काव्य अवधि और अर्घान अवधि जैसी काव्य कृतियाँ श्री सत्यधर जी के उत्कृष्ट कवित्व का निदर्शन है। इनकी गहन और यथार्थ लोकानुभूति अर्घान के माध्यम से सहृदयों का मना प्रसादन करने में पूर्णता सक्षम है। और मंगलाशा के रूप में डॉक्टर महेश नारायण अवस्थी, जो कि जन रामायण प्रबंध काव्य के प्रणेता हैं, प्राक्तन प्रोफेसर RCPI इलाहाबाद एवं संचालक अवधि समिति एवं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति प्रयाग हैं, उन्होंने लिखा है कि सभी कविताएं गेय हैं, सभी में प्रकृति और ग्राम्य जीवन के चित्र विद्यमान हैं। मुझे विश्वास है कि कविवर श्री सत्यधर शुक्ल जी अपनी रचनाओं से उत्तरोत्तर माँ भारती के भंडार को भरते रहेंगे। मैं उनकी साहित्यिक समृद्धि के लिए मंगल कामना करता हूँ। और ये सभी साहित्य सेवियों की तरफ से मैं भी मंगल कामना करती हूँ कि पंडित सत्यधर शुक्ल जी की लेखनी इसी प्रकार अनवरत चलती रहे और माँ शारदे की साहित्यिक सेवा और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। हम इस संग्रह की लालित अवधि भाषा के मनोरम और रसास्वादन करने के लोभ के कारण इस संग्रह की दो कविताओं का पाठ अपने पाठकों के समक्ष रखती हूँ। एक कविता जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है भिन्सार। भिन्सार यानी जो सुबह सूर्य निकलने से का दृश्य होता है, उससे पहले की जो चीज़ें होती हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। और कविता देखें कि पूरब ते फूट परा भिन्सार, उषा की लाली लहके लाग, सूर्य की बैरन अंधेरी रात, गई डर के पछुई का भाग, देख के सूरजन का अंगार, चंद्र की किरला गई भुलाई, लाग खिसियाई उड़ी सब चमक, लगभगे अपना सा मुंह लुकवाई, नखत सब तितिर बितिर है भजे, बीतिगा तिमिर भया भवा उजियार, न कोहरा की कुछ माया चली, गवा छिनमा सागर के पार, सूरज का ख्यालत बाढ़त देख, कमल मुह मुदा खिलखिली हसे, लाल पुरियन लालई अंगास, उड़े भवरा फूलन मा फसे, यह अवसर पर हमहूँ गयन, करे दुनहुन का नृत्य नियाऊ, कहिन दुनहू हम माँ को बड़ा, जमाना हमका भेद बताओ, कहन हम घूमई सुर अक्याल, जगत माँ तलिया कमल तमाम, मिलई सुरजनते सबका ताप, कमल ते मिले ठंड आराम, मिला उनका करिया अग्गास, मुला यह पाइस पानी उजल, रात दिन दौरत घूमे सूरज, मुला यह बैठ ठहर है सदल, आज है बहुमत का कानून, नहीं यही मातन को संदेह, यह कही अपने घर का गैन, जोर के फूलन ते सुस्नेह, यह कही अपने घर का गैन, जोर के फूलन ते सुस्नेह। और मित्रों, इस संग्रह के कुछ घनाक्षरी छंद तुलसी पधारो के नाम से इसमें संग्रहित हैं। चार छंद इसमें संग्रहित हैं। मैं इसका एक छंद का पाठ करती हूँ कि देव भूमि भारत मा होई धर्म हानि, तब को देव आई के जबाना पलटाई जाई, देव भूमि भारत मा होई धर्म हानि, जब तब को देव आई के जबाना पलटाई जाई, और जुग का बदल जुग द्वासर बोलावे, सब दुनिया का याक नई राह दर्शाई जाई, और पाप का नसाई पुण्य सब बार सरसाई, हर साई दुख हर सुख बरसाई जाई, कबहू जो राम बनी रावण संघार करे,
कबहू सो तुलसी भगत बनी आई जाई, कबहू तो तुलसी भगत बनी आई जाई, कबहू तो तुलसी भगत बनी आई जाई। तो दोस्तों ये अभी हमने डॉक्टर पंडित सत्यधर शुक्ल जी की रचनाओं का पाठ किया। आशा है कि आपको अवश्य ही पसंद आई होंगी। आप अपनी राय अपन मशवरा हमको जरूर हमसे साझा करिए और हम इसी प्रकार एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिए। आपका सहयोग, आपका प्रेम हमारा संबल है। एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना बहुत ख्याल रखिए। हम विदा लेते हैं। नमस्कार।